वाहेगुरु जी की फतेह। सोडी सुल्तान धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब कल देश भर के बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जाएगा। इस वक्त असं मौजूद हाँ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, जिथे कि प्रकाश पुरब के संबंध में सचखंड श्री हरिमंदर साहिब को बहुत ही सोहने फुलों के नाल सजाया गया है। देख सकते हो कि जड़ी श्री अकाल तख्त साहिब के फुलों को सजाने की तैयारी हले भी चल रही है, तो संगत दूरों दूरों आ के इत्थे फुल जड़े तैयार किए गए ने सजाए जा रहे हैं, और संगत आ के इतने देख रही ने, तो हले भी जोड़े कारीगर ने फुलों की सजावट लिए तैयारियां जड़िया ने कर रहे हैं। शाम तक ये तैयारियां मुकम्मल हो जाएगियां, तो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब न चारों पासों जोड़ा है देशी तो विदेशी दोवे फुलों के नाल दूरों दूरों फुलों के नाल जोड़ा है वह सजाया गया है। दूरों दूरों संगत जड़िया ने इतने आके हाजरियां भर रही ने, संगत नाल भी गलबात करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। कितों आए ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਔਲਖ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सो देख सकते हो कि संगतान का भी यही कहना है कि कृपा बाबा जी की कृपा है जो इत्थे संगत दूरों दूरों आके धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब से बाबा जी का आशीर्वाद लैने इतने पहुँच रही ने। देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जेडे देशों विदेशों तो फुलों की जी सजावट की गई है संगत ले खिच का केंद्र बन रहा ने, तो छोटे छोटे बच्चे अपने इस फुलों की सजावट के नाल जड़िया तस्वीर ने अपने कैमरे के कैद कर रहे हैं। गलबात करते हैं मौजूद ने। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। कित्थों आए बहन? असि इत्थों लोगली। की कहना चाहोगे प्रकाश पुरब के संबंध में हरिमंदर साहिब नू सोहने फुलों के नाल सजाया गया है तो होर भी बहुत सारिया तैयारियां? तैयारियां वालों बाबा जी महाराज साहब की बड़ी कृपा, बहुत तैयारियां, बहुत सोहना सजाया, बड़ी कृपा गुरु साहब की, बाकी संगतों का भी बड़ा मतलब कि चा शाह है इस गुरपुरब को लैके। छोटी जी बच्ची आई है, की कहना चाहोगे? कितना कुछ उत्साह होंगे है इतने देखने का, संगतों को देखने का, इन्ना इतने जरा रौनक लगियां ने? चा शाह तो बहुत ज़्यादा सारे जी होंगे, सारे होंगे, बहुत खुशी होंगी है, इन्ना मतलब कि रौनक लगी दूरों नेड़े सारिया संगत आईया इदा मतलब कि दर्शन करने वास्ते। सो देख सकते हो कि संगतों में भारी उत्साह भी देखने मिल रहा है, दूरों दूरों संगतें इतने खास फुलों की सजावट तो होर भी जड़िया तैयारियां की जा रही ने वह देखने लिए पहुँच रही ने, नाल नाल साहिब श्री गुरु रामदास जी का आशीर्वाद लैन प्राप्त करने इतने पहुँच रही ने। होर भी संगतों नाल गलबात करते हैं। देख सकते हो कि संगत यह जी सजावट हो रही है उस दियां तस्वीरां अपने कैमरे के भी कैद कर रही ने, कारीगर इत्थे लगे हुए ने जिहड़े हले भी सजावट लई तैयारियां कर रहे ने, ते देशी देशों विदेशों के जिहड़े फुल ने वह मंगवाए गए ने खास प्रकाश पुरब के संबंध के सचखंड श्री हरिमंदर साहिब नूं तैयार करवाउण लई। गलबात करते हैं बाबा जी नाल, जिहड़ियां संगत इत्थे आईया ने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। कित्थों आए? तरन तारण तो आए। की कहना चाहोगे अपने कैमरे की तस्वीर कैद कर रहे हो, बहुत ही सोहने फुलों नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं सजाया गया? हाँ जी, बहुत ये गुरु महाराज जी का गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब हर साल मनाया जाता जी, संगत बहुत धूमधाम नाल मनाउंदियां, असीं भी इहो वेखण वास्ते आए हैं, तो देख के बहुत मन खुश होया जी, तो संगत मना रही गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब। होर वाहेगुरू जी। सो देख सकते हो कि संगतां भी बहुत उत्सुकता दे नाल इस खास जिहड़ा प्रकाश पुरब है उस मौके इत्थे पहुँच रही ने गुरु रामदास जी की धरती ते, होर भी संगतां नाल गलबात करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा। वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू। कित्थों आए हो वीर जी? वाहेगुरू जी, इत्थे दिल्ली तो आए हैं। दिल्ली तो स्पैशल इत्थे प्रकाश पुरब बाबा जी के दर्शन करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। की कहना चाहोगे, हर साल आंदे हो पहले? नहीं, पिछली बार आए सी ते इस बार ही आया, कोशिश करने हर साल आए, बाकी जिद्दां बाबा जी दी मेहर होवे अगो भी आवांगे। ते किवें दा लग रहा है फुलां दे नाल हरिमंदर साहिब नूं चारों पासों सजाया गया है, इस दे नाल होर भी बहुत सारियां तैयारियां कीतियां गईयां ने? हाँ जी, ये तो सारे दो चार दिनों दे फुल ने, लेकिन इत्थे तो हमेशा ही चमक रहिंदी है। हाँ जी बिल्कुल, गुरु ने इधर कृपा की इस धरती ते
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਇਕੱਲੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।